बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैं जब 90 में यहाँ बम्बई आए तो पहली फिल्म मेरी थी केतन मेहता की सरदार पटेल, जो मैंने साइन की, और उसको बनने में 4 साल लगे। इस दौरान मैंने शोला और शबनम साइन की, और शोला और शबनम पहले बन गई, वो पहले रिलीज़ हो गई, और सरदार पटेल बाद में रिलीज़ हुई। सो पहली मेरी फिल्म जो रिलीज़ हुई वो थी शोला और शबनम। तब से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर बैंडिट क्वीन, और बैंडिट क्वीन की वजह से आरके बैनर की जो मेरी फिल्म थी प्रेम ग्रंथ, वो मैंने की। और प्रेम ग्रंथ जब रिलीज़ हुई तो उसके नेक्स्ट वीक मैंने 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में साइन की। तब से फिर मुझे एक कमर्शियल सेक्टर मिल गया, और तब से सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। अगर आप बात करें और आपने हाँ स्टार्ट की देवी धवन जी के साथ, जी सत्या, शोला और शबनम, बड़ी जी बड़ी फिल्में, आपको जी अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर सत्या के जी लिए, तो वो मोमेंट क्या था? हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू गेट फर्स्ट टाइम अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड? फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुआ था मैं, स्क्रीन अवार्ड मुझे मिला था। बहुत अच्छा लगा। एक ये तो एक किस्म से एक कलाकार के काम को एक्नॉलेज करना है, उसके काम को सम्मान देना है, प्रोत्साहन मिलता है। हमेशा ये महसूस होता है जब जब भी कोई अवार्ड मिलता है, जो भी मिले हैं अवार्ड्स वगैरह, जब जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो लगता है कि अभी जिम्मेदारी और बढ़ गई। ये जो अवार्ड मिला है, जो जिस जिन आशाओं के साथ मुझे दिया गया है, इसको मिलने से और लोग जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में जो और आशाएं बढ़ी हैं उनको पूरा करना है। सो हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी मेरा कोई काम आए, एक कुछ ना कुछ नयापन हो उसमें, कुछ नई कैरेक्टराइजेशन हो, कुछ कोई ना कोई नई बात हो। यही वजह है कि मैंने नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत किए हैं, लेकिन अगर आप लाइन देखें तो लगभग हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग था। जैसे अगर हम पहली जो नेगेटिव कैरेक्टर की मैं फिल्म का जिक्र करूँ, बैंडिट क्वीन, उसमें जो ठाकुर श्याम सिंह का कैरेक्टर था, वो कपड़ा और सिर पर लेके गॉगल्स लगाए हुए, उसके बाद प्रेम ग्रंथ का जो कैरेक्टर था, बिल्कुल पान टपकाता हुआ, गिचगिचा, बहुत गंदी सी फीलिंग। उसके बाद सरफरोश, नहीं, उसके बाद विरासत, विरासत का जो पैरालिटिक कैरेक्टर, मतलब हाथ मुंह भी टेढ़ा है, हाथ भी टेढ़ा है, लेकिन दिमाग फिर भी हटकेला है। सो एक वो कैरेक्टर। उसके बाद सरफरोश, सीधे सरफरोश का जो कैरेक्टर, उसके बाद गॉड मदर का कैरेक्टर, उसके बाद फिर सत्या का कैरेक्टर, सब एक दूसरे के आप देखेंगे बिल्कुल सब एक दूसरे से सब डिफरेंट अलग है, हैं। डिफरेंस है। सो कोशिश मैंने ये की है कि हमारे दर्शकों को हमेशा मुझसे कुछ उम्मीद रहे और मैं उनकी उम्मीदों को पूरा करूं। इसके लिए खूब मेहनत करता हूं अपने कामों पर। बचपन से ही एक्टर बनने का आपने वो था, या शादी के बाद ऐसा कुछ जागा? बचपन में सपने देखता था, जैसे जैसे रामलीला और दूसरे प्रोग्राम्स हमारे मोहल्ले में हुआ करते थे दशहरे के टाइम पर या किसी ओकेशन पर, तो लगता था कि मैं भी स्टेज पर ऐसा कुछ करूँगा। सो मैं सागर मध्य प्रदेश का हूँ, वहाँ से वहाँ तक वहाँ मैं 7वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद फिर 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में पढ़ा। वहीं पर फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डिप्लोमा किया, 3 साल का एक्टिंग में, 75 से 78 तक। उसके बाद फिर मुझे ये महसूस होता रहा कि डिप्लोमा एक्टिंग में किया तो ज़रूर है, 3 साल सीखा है, लेकिन अगर मुझे एक्टिंग में करियर करना है और बड़े बड़े कलाकारों के साथ अगर मुझे कंपटीशन करना है, तो उस लिहाज से तो मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ, इतना मेच्योर नहीं हुआ हूँ। सो हमारे नेशनल स्कूल ड्रामा रेपेट्री कंपनी एक NSD का ही प्रोफेशनल विंग है। वहाँ पर मनोज सिंह जी हुआ करते थे, सुरेखा सीकरी जी हुआ करती थी, उत्तरा बावकर जी हुआ करती थी, जो कमाल का परफॉर्म करती थी। उनको देख के लगता था कि वाह, अगर एक्टिंग का जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर है,
अगर एक्टिंग करनी है तो ये स्तर होना चाहिए, इस स्तर को छूना चाहिए। सो वो सब देख देख के ऐसा लगता था कि नहीं, अभी मैं कच्चा हूँ, अभी मैं पक्का नहीं हुआ हूँ कि मैं इमीडिएटली बॉम्बे की सोचने लगूँ। जो हमारे सहपाठी थे अनुपम खेर, सतीश कौशिक, करण राजदान, अनंग देसाई, सब अपने अपने प्रोग्राम्स बता रहे थे। जब हम NSD का डिप्लोमा ख़त्म किया तो करण ने बोला मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, मेरा तो वहाँ ऑलरेडी सब हो चुका है और मुझे जाते ही एक हीरो की फिल्म मिलेगी। और अनुपम ने कहा नहीं, मैं पहले थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगा, मैं लखनऊ जाऊँगा वगैरह वगैरह, सब लोग अपना अपना बताते रहे। सतीश कौशिक ने कहा मैं तो बॉम्बे जाने वाला हूँ, ये वो। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जब तक मैं मैच्योरिटी हासिल नहीं करूँगा एक अच्छे एक्टिंग की, एक जो स्तर में देखता हूँ, अगर वो मैं छूता हूँ तो ही मुझे करियर में जाने की बात सोचनी चाहिए। सो जब मैंने उन लोगों के बारे में पता किया जो मैं बता रहा हूँ, मनोहर सिंह जी, सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा भाकर जी, इनके बारे में जब पता किया तो पता लगा कि इन्होंने तकरीबन 6 साल हो गए हैं थिएटर करते करते डिप्लोमा के बाद, और इनको 5 साल हो गए, इनको 7 साल हो गए। तब मुझे लगा कि हाँ, इस स्तर को छूना है तो मुझे कम से कम 7-8 साल तो ज़रूर करना चाहिए। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 7-8 साल भी नहीं, मुझे 10 साल थिएटर करूँगा, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे जाने की सोचूंगा। सो 78 में मैंने वो ज्वाइन किया और 11 साल मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में काम किया एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। उसके बाद फिर 90 में यहाँ आया। तब से अभी जो मैंने जिन फिल्मों का नाम लिया, इन इस तरह की फिल्में करते 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 ओ माई गॉड वगैरह वगैरह, अभी 115 फिल्में हो गई हैं। अच्छा लग रहा है, चल रहा है फर्स्ट क्लास। अभी मेरी एक हॉलीवुड बॉलीवुड कंबाइंड प्रोजेक्ट है, फिल्म का नाम है सोलर एक्लिप्स। वो हमने इंग्लिश में भी शूट की है और हिंदी में भी शूट की है। एक दुबई की कंपनी है, नू जैन कंपनी, जो उसके प्रोड्यूस कर रही है। इसके दो डायरेक्टर्स हैं, एक है मिस्टर करीम ट्रेडिया हैं जो अल्जीरिया के हैं, उन्होंने कुछ हॉलीवुड की फिल्में डायरेक्ट की हैं, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। इस फिल्म के दो डायरेक्टर्स हैं, एक मिस्टर करीम ट्रेडिया हैं और इंडिया से मिस्टर पंकज सहगल हैं जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी हैं। सो ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, 19 को रिलीज़ हो रही है हॉलीवुड में, पहले इंग्लिश में और फिर बाद में इंडिया में रिलीज़ होगी। इस ये फिल्म उस टाइम की है, 1948 की, हमारी इंडियन रेवोल्यूशन की का जब लास्ट स्टेज थी, जब हमको आज़ादी मिली, और 1948 में जब गांधी जी को असैसिनेट किया गया, उस टाइम पीरियड की कहानी है, उस पर्टिकुलर 1948 की कहानी है। सो जब महात्मा गांधी जी को असैसिनेट किया गया, उस समय मैं मोरारजी देसाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ। उस समय मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के होम मिनिस्टर थे, और जो षड्यंत्र रचा गया महात्मा गांधी जी को मारने का, वो सब बॉम्बे से ही उसका ओरिजिन हुआ, यहीं से, नाथुराम गोडसे वगैरह सब उन्होंने यहीं से प्लान किया। सो एक बड़ी जिम्मेदारी मोरारजी देसाई के कंधों पर आई। उस टाइम मैं तो वैसे भी इंडिया की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि पार्टीशन के तुरंत बाद पूरे हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो गए थे। हिंदू मुस्लिम का इतना ज़्यादा हो गया था कि कोई एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे, इतनी दुश्मनी पैदा हो गई थी। लोग एक दूसरे के घरों को जला रहे थे, रेप हो रहे थे, मारकाट हो रही थी, मर्डर्स। सो इतनी दुश्मनी पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही अफरा तफरी फैल चुकी थी, इतनी अव्यवस्था, इतनी ख़राब हालत हो गई थी। उस टाइम में जब ये हुआ, उस टाइम में मोरारजी देसाई के कंधों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। सो इस मोरारजी देसाई के कैरेक्टर को मैंने एक 3 लेवल में प्ले किया है। जैसा कि हम थोड़ा बहुत जानते हैं सभी लोग, मोरारजी देसाई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत ही विनम्र स्वभाव के
सादा जीवन, उच्च विचार, गांधी जी के फॉलोअर, जैसे बहुत ही उस तरह से हम जानते हैं। लेकिन जब वो होम मिनिस्टर थे तो ही वॉज़ वेरी अथॉरिटेटिव, क्यों मतलब बाकायदा अपने पोस्ट को अच्छे ढंग से वो समझते भी थे, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते थे और बहुत ही अथॉरिटी के साथ उन्होंने उस टाइम में स्थिति को संभाला था। जो काम उनको चाहिए वो पूरी अथॉरिटी के साथ डांट फटकार के भी निकाल लेते थे, जो कि हमें नहीं मालूम। तो उनके बारे में जब मैंने पढ़ा, जब उनके बारे में और लोगों ने जो उनके बारे में बोला, इस तरह से थोड़ा रिसर्च वर्क किया, तब कुछ उनके फोटोग्राफ्स देखे, बहुत ज़्यादा फुटेज तो नहीं मिली लेकिन उनके फ़ोटोज़ वगैरह देख के और उनके बारे में जो कहा गया वो, उससे हमने इस कैरेक्टर को तैयार किया, खड़ा किया। गांधी जी के बारे में जैसा बात कर रहे हैं तो आप पूरी शूटिंग के दौरान गांधी जी को लेकर आपकी थोड़ी थिंकिंग चेंज हुई या कुछ सीखने को मिला पूरी पिक्चर करने या उनके उनको और जानने के बाद अच्छे से? मैं वैसे भी गांधी जी का भक्त हूँ, ऐसा शख्स भी पैदा हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था, ऐसा बहुत लोगों ने सोचा था कि ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक आदमी की इंटेलिजेंस से, एक आदमी की दृढ़ता की वजह से हिंदुस्तान में वो जागृति पैदा हुई कि हम गुलाम हैं और हमें आज़ादी चाहिए, और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। वो जहाँ जाते थे पूरा हुजूम चल पड़ता था, लोग बेवकूफ़ तो है नहीं, कुछ तो होगा जब तभी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इसी तरह से दुनिया के तमाम बड़े बड़े दिग्गजों ने उनके बारे में ये कहा कि ये कैसा व्यक्ति जो लंगोटी, एक लंगोटी में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देता है और ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ता है, इसी बड़ी कामयाबी और किसी आदमी के लिए क्या हो सकती है। सो मैं तो पहले से ही भक्त हूँ उनके बारे में, जब जितना जितना पढ़ता हूँ लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, इस आदमी ने क्या से क्या कर दिया, हम क्या कर रहे हैं। जब अभी अब कंपेयर करते हैं तो हमें इतना ऐसे बौने दिखाई देते हैं उनके सामने। सो उनके जीवन से बहुत सीखा है मैंने। अगर आपने पूछा है तो उससे रिलेटेड एक बात याद आ गई मुझे, अगर गांधी जी नहीं होते और गांधी जी की जीवनी मैंने नहीं पढ़ी होती छठी सातवीं क्लास में जब मैं था, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उनकी जीवनी पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि एक आदमी जो लंदन में जाके नौकरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं किसी बड़े शहर में जाके किसी बड़े स्कूल में पढ़ के और नौकरी करते हुए ऐसा काम कर क्यों नहीं कर सकता। अगर मुझे, मेरे मन में हमेशा ये बना रहता था कि मैं, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे ऐसे ही साधारण नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं जीना, या तो मुझे कुछ कमांडर बनना है या कुछ बड़ा आदमी, कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, या इस तरह से सोचता था मैं। तभी उनको जीवनी पढ़ने को मुझे, और मैं जब सोचता था उनके बारे में, जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये लगता था या मुझे इम्प्रेशन ये आता था कि ऐसे लोग सब दिल्ली में मिलते हैं। छोटा बच्चा कितना सोच सकता है कि दिल्ली में मिलते हैं और सब लोगों ने किसी बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई की है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की है, और वो सब पढ़ाई करके दिल्ली में इकट्ठे होते हैं। सो अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो मुझे दिल्ली में जाना चाहिए और बड़े संस्थानों में पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में हमेशा फिक्स रहता था। तो जब मैंने गांधी जी की जीवनी पढ़ी तो मुझे ये उनसे प्रेरणा मिली कि आप कहीं भी जाके, अगर आप पढ़ाई में, अगर आपका मन है, कुछ विशेष करने का आपके मन में लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप में जिजीविषा भी अगर है तो आप कर ही सकते हैं। कहीं भी जाके नौकरी करो, पढ़ाई करो, कुछ भी कर सकते हैं। सो उसको पढ़ने के बाद मुझे, मैं हमेशा ऐसे जुगत लगाता रहा कि मुझे किसी तरह से दिल्ली जाना मिल जाए। करते करते फिर ऐसा ही एक संयोग जुड़ा और मैं दिल्ली निकल गया कि वहाँ पढ़ेंगे, वहीं काम करेंगे। तो इस तरह से मैं दिल्ली गया, वहाँ पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, एनएसडी किया, एनएसडी रेपेट्री किया और फिर यहाँ बॉम्बे आ गया, सिर्फ गांधी जी की वजह से।
सो इतना महत्व है मेरा गांधी जी क्योंकि मुझे कॉल आया है मिस्टर पंकज सहगल का, उन्होंने बहुत काम देखा है मेरा, उन्होंने और मिस्टर करीम टेडिया उनकी कंसल्टेशन से उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरी मीटिंग हुई, मिस्टर करीम टेडिया से भी मीटिंग हुई, मिस्टर पंकज सहगल से भी मीटिंग हुई, नरेशन दिया गया और मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा। ये फिल्म सुपरहिट होगी मुझे मतलब इतनी उम्मीद है, कैरेक्टर भी अच्छा लगा, सब्जेक्ट भी अच्छा लगा, जिस तरह का सेटअप है बढ़िया लगा, और हॉलीवुड की मूवी कौन एक्टर नहीं करना चाहता, सो आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट। एक और न्यूज़ है, बातचीत चल ही रही है, इस फिल्म में मैं दो कैरेक्टर कर रहा हूँ, और ये बात मैं ज़्यादा बताता शेयर नहीं करता था लोगों से, तो जब मैंने किसी को कहा तो उसने कहा कि आप ये तो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से हमारे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एक्टर कोई दो कैरेक्टर कर रहा है एक ही फिल्म में। नाटकों में तो हम करते हैं, लेकिन आज तक मैंने तो कभी सुना नहीं था आज तक की लाइफ में कि किसी एक एक्टर ने दो कैरेक्टर्स किए हैं एक ही फिल्म में। सो अभी मैंने बताना शुरू किया है, इसमें एक कैरेक्टर मोरारजी देसाई का है और दूसरा कैरेक्टर एक डॉक्टर परचुरे का कैरेक्टर है। संयोग ये था, हुआ ये था कि परचुरे का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो जब बोलता है तो एकदम से मुंह से आग निकालता है, आग उगलता है, तो उसके इतने फायरी उसका एक बड़ी स्पीच है इंग्लिश में और हिंदी में, तो उसके लिए कैरेक्टर ढूंढते एक्टर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, जिस तरह का चाहिए था उनको नहीं मिल रहा था। तो ऐसी बातचीत के दौरान जब दोनों डायरेक्टर आपस में बात कर रहे थे तो मिस्टर करीम टेडिया ने पंकज से कहा कि आप करो ना कुछ, बोले आप करें क्या, आपने जो एक्टर इसके लिए सूटेबल लग रहा है बार बार वो तो मोरारजी देसाई का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो ऐसी बातचीत में बात हुई और निकल गई। तो उसी दिन फिर रात को मिस्टर करीम टेडिया और पंकज सहगल ने आपस में बात की, फिर मेरी कुछ फुटेज निकाल के उन्होंने देखी, जिस वजह से वो पंकज ने करीम टेडिया को बोला था कि ये ज़्यादा सूटेबल लग रहे थे मुझे इस कैरेक्टर के लिए, तो ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड करीम टेडिया। तो उसने एडवाइस किया मिस्टर पंकज सहगल को कि क्यों नहीं इनको ये रोल दे दें, हम थोड़ा सा उसको गेटअप चेंज कर देंगे और ये अगर अच्छे एक्टर हैं तो अपना सुर भी बदल लेंगे अकॉर्डिंग टू द करेक्टर। तो ऐसा कुछ उनको बीच में बात हुई तो उन्होंने ओके कर दिया अपनी तरफ से, फिर मुझसे बात की तो मैंने इमीडिएटली मना कर दिया उनके कि नहीं, मैं एक तो वो छोटा सा कैरेक्टर एक ही स्पीच का, और फिर ये दो कैरेक्टर कैसे, फिर मुझे और ज़्यादा उसमें उतना फोकस करना पड़ेगा, एक अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। और तो पहले ही बातचीत में तो मैंने ना कर दिया, फिर उन्होंने दूसरी बार कहा तो मुझे थोड़ा कहा सोचो, उन्होंने कहा कि सोचो एक बार क्योंकि ये बड़ी एक अलग सी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक ही फिल्म में दो कैरेक्टर करने की, आज तक किसी ने नहीं की है, अगर सुने किसी ने किया है तो मुझे बताओ किसी ने किया है। तो फिर उन्होंने बोला और फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ कर लेते हैं देखेंगे, और इस तरह से मैंने दूसरा कैरेक्टर भी अपनी तरफ से ओके किया, और फिर कैरेक्टर के हिसाब से काफ़ी जो कुछ भी जो भी मेहनत की थी वो मैंने की, जो कि मेरी आदत में शुमार ही है, वो मेरा एक सिस्टम में है कि कोई भी कैरेक्टर मिलता है तो मैं उसमें काफ़ी
उसको काफ़ी सोचता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में और क्या क्या हो और हो सकता है वो सोचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कुछ नयापन लाने के हिसाब से उस पर वर्क करूँ। सो किया, और दोनों ही कैरेक्टर्स जिस तरह से बने हैं अच्छा एप्रिसिएशन मुझे डायरेक्टर की तरफ से मिला है और मुझे भी तसल्ली है। कितना मतलब हॉलीवुड में पहला कदम जी और रिलीज की कतार पे आपकी मूवी, कितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है और कितना मतलब इस किरदार को लेकर लोगों से आपको या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स कितना आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है कि अच्छा होगा, सब ठीक होगा? सब लोग बहुत होपफुल हैं और सबको इस बात की खुशी है कि मतलब ये एक तरह से मैं हॉलीवुड की फिल्म का एक आगाज़ हो रहा है, अगर कुछ अच्छा काम हुआ तो फिर आगे सिलसिला बढ़ेगा। सो सब होपफुल हैं और मैं भी होपफुल हूँ और सबको खुशी है, मुझे भी खुशी है। एक मराठी मराठी पिक्चरें भी की आपने? मैंने ज़्यादा पिक्चर नहीं की, एक दो फिल्में की हैं, एक अभी की है, पहले की थी। मराठी भी की है। और बॉलीवुड और मराठी में आपको कितना डिफरेंस लगता है, कास्टिंग को ले ली जाए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, काम का तरीका बहुत अलग होता है, कितना अलग होता है और कितना अलग तरीके से देखते हैं बॉलीवुड को और एक मराठी इंडस्ट्री? बॉलीवुड मराठी और साउथ इंडिया की फिल्म मेकिंग और हॉलीवुड की फिल्म मेकिंग बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ वो इतने प्रोफेशनल हैं कि पहले तो स्टोरी पर ही इतनी उनकी डिस्कशंस, इतनी मीटिंग्स, एक पूरी उनकी कमेटी होती है, उनकी टीम होती है, उस पर खूब काम करते हैं, जम के काम करते हैं, आठ आठ नौ नौ दस दस महीने तक वो एक स्टोरी में, जब तक वो एक लेवल पर नहीं आ जाती, जब तक इतनी एक सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं हो आ जाता डायरेक्टर के मन में, प्रोड्यूसर के मन में, तब तक वो उसको छोड़ते नहीं हैं, तब तक वो कुछ शुरू करते ही नहीं हैं। जब लॉक हो जाती है स्टोरी, उसके बाद ही फिर वो आगे का काम करते हैं, और आगे का काम भी फिर इस तरह से वो प्लान करते हैं कास्टिंग में बार 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 बार, मतलब जब तक उनको करेक्ट कास्टिंग नहीं मिल जाती वो कोशिश में लगे रहते हैं हर तरह से, हर जगह से। सो हर एंगल से, हर डिपार्टमेंट में जब इतनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ वो काम करते हैं, वो यहाँ नहीं होता है, नहीं होता। इतने सालों से काम कर रहा हूँ मैं, 26 साल हो गए मुझे काम करते करते, देखते देखते और लोगों को सुनते। जब शूटिंग शुरू होती है, मसलन मैं शूटिंग पर पहुंचा, तो या जैसे नरेशन वगैरह से शुरुआत होती है, एक्टर से उनकी मीटिंग होती है, बार बार मीटिंग होती है, उनको कैरेक्टर बताया जाता है, क्या क्या एक्टर सुनने के बाद एक्टर क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में, इतना बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ परफेक्शन कैसे आए इसकी तरफ उनका हर समय फोकस होता है। सारी चीज़ें होने के बाद, टेबल वर्क होने के बाद, सब लोगों से मीटिंग होने के बाद, उसके बाद जब शूटिंग शुरू होती है, एक्टर को बुलाने से लेके होटल में ठहराने से लेके उसके बाद फर्स्ट डे जब शूटिंग होती है या शूटिंग में जब मैं शामिल हुआ, तो मेरे वहाँ यंग होटल से निकलने का टाइम, शूटिंग की जगह पहुँचने का टाइम, मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम, मेरे ड्रेसिंग का टाइम, मेरे मेकअप का टाइम, हर सब चीज़ फिक्स है। इतने बजे से इतने बजे तक ये ड्रेस का ट्रायल करेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक मेकअप करेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक डायरेक्टर के साथ मीटिंग रहेगी जिसमें डायरेक्टर ब्रीफ करेगा कि ये शॉट है और इस शॉट को इस तरह से करना है, आपका कुछ थॉट हो तो आप बताएं, तो वो एक डिस्कशन रहेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो सब वहाँ उसी समय डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके कर लिया जाएगा, ताकि जब आप कैमरे के सामने पहुँचें आपके डायलॉग्स पक्के हैं, आपका मूवमेंट पक्का है, सब कुछ
रेडी है, आपको कैमरे के सामने जाते ही आपको बस एक्ट करना है, इतना ही। सो इतनी परफेक्शन के साथ काम करते हैं। इसी तरह से फिल्म जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एडिटिंग, हर डिपार्टमेंट पर वो उनके परफेक्शन के साथ काम करते हैं, जो यहाँ नहीं है। अभी धीरे धीरे जो नया लॉट आ रहा है, नए नए यंगस्टर्स बाहर जाके ट्रेनिंग करके सीख के आ रहे हैं, वो सब इस अभी लागू कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। आगे आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्राइट है। अपने गांधी जी की बात करी, जैसे आप गांधी जी के देश को, गांधी जी का कलर बदल गया है नोट पे, तो वो कैसा लग रहा है? उस प्रोसेस में मतलब कुछ तकलीफें हुई हैं चेंजेस में? नहीं, कलर बदलना ये तो एक, जब किसी भी फोटो में कोई भी कलर होता है, अभी ब्लैक एंड वाइट भी होता है, चेहरे पर लालामी भी होती है, पिंकिश भी होती है, रेडिश भी होती है, तो उससे तो कुछ उसकी तरफ तो मैंने ध्यान में दिया भी नहीं। बाकी ये है कि नोट पर हैं अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उनके भक्त हूँ। हमने देखा था आप सैनी को, सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स से भी बहुत इंटरेक्ट हुए हैं, उनसे मिले हैं। जी जी, तो वो प्रोसेस वो कैसा रहा, वो फीलिंग कैसी रही अपने इंडियन सोल्जर्स से मिलने? बहुत अच्छा, मतलब मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो जिनकी पूरी फैमिली मिलिट्री में है, सो उनके लाइफ को मैं पहले से जानता हूँ। इस तरह से उन्होंने कमांडोज की ट्रेनिंग की है, कमांडोज की ट्रेनिंग में कितनी टफ होती है, क्या क्या उसमें कराते हैं और क्या क्या उनको करना पड़ता है, मतलब ऐसे ऐसे कि उनको सांप खाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिंदा सांप को कैसे मारते हैं, कैसे उसके जहर वाली चीज़ मुंडी को काटते हैं, और कैसे उसको फिर मतलब जंगल में छोड़ दिया जाता है उनको, और पानी नहीं है, कैसे उनका उनको वो पर्टिकुलर टाइम निकालना है, कैसे अगर भूख लगी हो तो क्या खाना है, प्यास लगी होगी तो क्या खाना है, कौन कौन सी ऐसी पत्ते हैं जो खाए जा सकते हैं, वो तो क्या क्या नहीं उनको सिखाते हैं, क्या क्या नहीं कराते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो है ही, ये सब चीज़ें हैं जो उनको टफ बनाती हैं, उनको तैयार करती हैं किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए। सो वो सब मैं वो ब्रीफ करते रहे हैं वो मेरे फ्रेंड्स, और कैसे मतलब सामने से गोलियां चल रही हैं, मतलब ये कितने साहस का काम है, ये साहस भर दिया जाता है उनके अंदर इससे कि ट्रेनिंग से, इससे कि मतलब देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, अगर उनको कहा जाए ना कि ये गोलियां चल रही, खड़े हो जाओ सामने, तो वो खड़ा हो जाएगा, बाद में सोचेगा कि मैं तो मर जाऊँगा, ये बाद में सोचेगा मरने के बाद, या जब मर रहा होगा तो उस समय वो खड़ा हो जाएगा देश के लिए, हमें खड़ा होगा। ये जज्बा कहाँ है हमारे, किसके अंदर है ऐसा जज्बा देश के लिए, वो अद्भुत होता है। पिक्चर रिलीज होने के बाद सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके फैंस का अप्रिसिएशन होता है या कोई अवार्ड लेना? अपने दर्शकों का अप्रिसिएशन उनसे ज़रूर मैं जानना चाहता हूँ कैसा लगा, और कई बार तो चुपके से हॉल में चले जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, और उनके रिएक्शन, उनके रिस्पॉन्सेस सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कह रहे हैं, कई बार तो नाम लेके बोलते हैं, और ऐसे 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 भी वाक़े हुए हैं कि गालियों के साथ बोलते हैं, यार ये साला आ गया, ये फिर कुछ करेगा, ये कुछ अभी इसको तो तो नेगेटिव कैरेक्टर्स जब करते हैं तो ये हमारे लिए एक ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है, अगर वो गालियाँ देते हैं दर्शक तो। बैंडिट क्वीन जब मैंने की थी तो एक जिस तरह की फिल्म जिस तरह से एंड होती है, ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है इसके साथ कुछ नहीं कर पाए थे लोग, मतलब वो लोगों की प्यास रह गई कि इसको मार क्यों नहीं दिया गया, उसको पकड़ा ही नहीं गया था। सो जब दर्शक निकलते हैं तो वो सब गालियाँ ही देते हुए निकलते हैं, ये इसको छोड़ दिया माँ का ये, सो अच्छा लगता है जब इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है पब्लिक से। इस
यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हॉलीवुड मूवी, होप कि आपका किरदार लोगों को पसंद आया। हॉलीवुड मूवी में जो आपने डबल रोल प्ले किया है, दो रोल प्ले किया अलग अलग किरदार से, सो थैंक्स और थैंक्स फॉर टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स थैंक्स। तो जानना चाहते हैं, जैसे अभी आप रिसेंटली शूटिंग के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, तो वो पिक्चर के बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ कर दीजिए। एक पिक्चर है कमिंग बैक, जो चंद्रकांत सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं और मिस्टर महेंद्र सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो पूरी फिल्म स्विट्ज़रलैंड में शूट होने वाली है, पूरी फिल्म वहाँ प्लान हुई है। इंडियन सब्जेक्ट है, लेकिन इंडियन कैरेक्टर्स हैं जो वहाँ स्विट्ज़रलैंड पहुँचे हुए हैं। कुछ इस तरह का एक सब्जेक्ट है, मर्डर मिस्ट्री कह सकते हैं आप उसको। उसमें मैं एक कॉप का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। सो एक ये फिल्म है, एक अभी एक लेक टंडन साहब के साथ फिल्म कर रहा हूँ, फिर उसी मोड़ पर काफ़ी सालों के बाद उन्होंने फिल्म काफ़ी सालों के बाद वो आए हैं फिल्म करने। तो एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, कॉमेडी है, जुगाड़ू नंबर वन, जो दादा कोंड के बेटे कर रहे हैं, अशोक कोंड के। फिर एक फिल्म है अजय चंडोक की, शादी तो बनती है। फिर एक फिल्म है मनीष तिवारी की, और इस तरह से ये फिल्में हैं जो जिनकी शूटिंग चल रही है, प्लानिंग पाइपलाइन में है। अच्छा है ना, अच्छा लगता है इसे। मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि इतने सालों तक हमारा आपका एक रिश्ता रहा है, आपने मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत प्यार स्नेह मोहब्बत दी है। वो प्यार स्नेह मोहब्बत बनाए रखें, जिस तरह से मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी आशाओं पर खरा उतरा हूँ, वादा करता हूँ आगे भी खरा उतरूँगा।